वीडियो गेम्स में स्टोरी की इम्पोर्टेंस मेरे ओपिनियन में किसी पॉर्न में स्टोरी की इम्पोर्टेंस की तरह ही है। इट्स अप्रिशिएटेड इफ इट्स देयर, और अगर ना भी हो तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पर 2013 में रिलीज हुई द लास्ट ऑफ अस ने वीडियो गेम स्टोरीज को लेकर मेरा ये एटीट्यूड चेंज कर दिया। ये पहली गेम थी जिसे मैंने एंड तक सिर्फ इसके स्टोरी के लिए ही खेला। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं था कि इससे पहले मुझे किसी गेम की स्टोरी अच्छी ना लगी हो। बचपन में आई वॉज ब्लोन अवे बाई मैक्स पेन स्टोरी। प्रिंस ऑफ पर्शिया की भी स्टोरी मुझे हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और असासिन्स क्रीड की स्टोरी का कंसेप्ट तो कमाल का था। और इन तीनों गेम्स पे बेस्ड मूवीज भी बनी हैं, और वो तीनों मूवीज ही हद बेकार हैं। सिर्फ ये तीन ही नहीं, वीडियो गेम्स पे बेस्ड दर्जनों मूवी बनी हैं, और आज तक वीडियो गेम पे बनी ज्यादातर मूवीज और टीवी शोज क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप ही होती हैं। लेट्स टॉक गेम्स में आज हम बात करेंगे कि वीडियो गेम पे बेस्ड मूवीज और शोज क्यों फेल होती हैं, और क्यों HBO का द लास्ट ऑफ अस इज द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल, और क्यों इसके फर्स्ट 3 एपिसोड सही मायनों में मास्टरपीस हैं। इस वीडियो में द लास्ट ऑफ अस टीवी शो और गेम के स्पॉयलर्स होंगे, तो प्लीज आप शो देखने के बाद और गेम खेलने के बाद मेरा ये वीडियो देखना। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज कंटिन्यू। तो शुरू करते हैं। गेम्स पे बेस्ड मूवीज या टीवी शोज बेकार क्यों होते हैं, इसके दो रीजंस हैं। पहला, मूवी प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज का एटीट्यूड। बड़े स्टूडियोज को ये लगता है कि हिट गेम्स का एक ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन बेस बना हुआ है, और वो फैंस उस गेम पे बेस्ड कोई भी मूवी या टीवी शो जरूर देखेंगे। तो ये मूवीज एसेंशियली कैश ग्रैब होते हैं किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के लिए, ये उनका पैशन प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं होता। दूसरा रीजन ये है कि प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज ये नहीं समझ पाते कि इन सक्सेसफुल गेम्स के फैंस को उन गेम्स में एक्चुअली क्या पसंद था। मेरा मतलब, मैक्स पेन की स्टोरी कमाल की थी, पर इसके फैंस को इसके स्टोरी से ज्यादा इसका एक्शन पैक्ड गेम प्ले पसंद था, और बुलेट टाइम मैकेनिक से टाइम स्लो करके शूटआउट्स का जो मजा था वो मार्क वॉलबर्ग की मूवी में सेम चीज देखने में बिल्कुल नहीं आता। वैसे ही असासिन्स क्रीड की स्टोरी काफी यूनिक थी, पर इस फ्रेंचाइज के फैंस को इसकी स्टोरी से ज्यादा इसका पार्कोर ट्रेवर्सल और एक्शन एडवेंचर गेम प्ले पसंद था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वीडियो गेम फैंस गेम्स के मैकेनिक्स को हमेशा ही ज्यादा पसंद करते हैं, और स्टोरी हमेशा साइडलाइंस पे होती है। यही रीजन है कि द लास्ट ऑफ अस परफेक्ट गेम थी टीवी अडैप्टेशन के लिए। ये गेम शुरू से ही सिनेमैटिक थी, और इसके मैकेनिक्स, चाहे वो शूटिंग हो, क्राफ्टिंग हो, मूवमेंट हो, ये सब काफी सबड्यूड थे, और इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स ही इस गेम की जान थी। यही चीज हम फैंस को इस गेम के कैरेक्टर्स और उस पैंडेमिक के बारे में ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड बनाती है, और HBO का द लास्ट ऑफ अस शो इन ब्लैंक्स को फिल करने का काम बखूबी करता है जो ब्लैंक्स गेम ने छोड़ दिए थे। तो अब डिटेल में बात करते हैं इस टीवी शो के बारे में। ये शो इसलिए ब्रिलियंट है क्योंकि अगर आपने द लास्ट ऑफ अस नहीं खेली है तो भी आप इसको एज अ स्टैंड अलोन टीवी सीरीज इंजॉय कर पाएंगे, और अगर आपने गेम खेली है तो यू विल फाइंड इट माइंड ब्लोइंग। तो लेट मी गिव यू 7 रीजंस इसके पहले 3 एपिसोड से, जो कि मेरे ओपिनियन में इस सीरीज को मास्टरपीस बनाती है। नंबर 1, इस शो का ओपनिंग या प्रोलॉग। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है 1960s के एक टॉक शो से, जहां दो साइंटिस्ट वायरल पैंडेमिक और फंगल पैंडेमिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। 2020 से पहले ये ओपनिंग इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि एक बीमारी दुनिया के किसी एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने में कितनी जल्दी पहुंच जाती है, तो ये सीन किसी हॉरर शो की ओपनिंग की तरह लगता है। नंबर 2, द टीवी शो कम्प्लीट्स द गेम स्टोरी। गेम में जब सैरा जोल को घड़ी देती है, तब मैंने सोचा था कि उसने पैसे बचाकर वो घड़ी खरीदी है, पर शो में ये पता चलता है कि उसने शहर जाकर वो घड़ी रिपेयर करवाई थी। एक और बात, गेम में सैरा पूछती है, और इस पर टॉमी ये कहता है, They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did.
तो इट सीम्स कि शी वॉज कंसर्न क्योंकि दिन में वो शहर गई थी, और ये लाइन गेम और शो को एक तरह से इंटरवीव करता है। नंबर 3, टीवी शो नोज कि कौन से पार्ट्स रखनी है और कौन से पार्ट्स को चेंज करना है। गेम की शुरुआत में जब जोल सैरा से पूछता है कि उसके पास घड़ी के लिए पैसे कहां से आए, तो सैरा ये कहती है, Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. और सेम जोक टीवी शो में भी है। Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. It's better when I do. पर जब जोल, सैरा और टॉमी गाड़ी से भाग रहे होते हैं, तो एज अ गेमर आप ये एक्सीडेंट एक्सपेक्ट करते हो। पर शो में गाड़ी से टक्कर की जगह प्लेन क्रैश के डेब्री से कार का एक्सीडेंट होता है। इट वॉज अ वेरी गुड सबवर्जन बाय द शो मेकर्स। नंबर 4, द टीवी शो नोज विच मीडियम इट इज इन। गेम में जब जोल और टेस एली को क्वारंटीन जोन से बाहर निकाल रहे होते हैं, तो टेस किल्स दिस सोल्जर जिसके पास एक M16 राइफल होता है, और क्योंकि ये गेम है तो जोल ऑब्वियसली ये राइफल नहीं उठाता, क्योंकि आपको सर्वाइवल हॉरर गेम के शुरुआत में मशीन गन तो नहीं मिल सकती, ये हर गेमर को पता है। पर शो में जोल टेक्स द गन लाइक एनी इंटेलिजेंट पर्सन वुड डू। नंबर 5, द शो रेस्पेक्ट्स द गेमर्स। एपिसोड 3 के लास्ट में फ्रैंक और बिल का लेटर पढ़ के जोल उसे क्रश कर देता है। शो का स्टोरी लाइन गेम के स्टोरी लाइन से थोड़ा अलग है, और मैं इसे आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। पर गेम में आपको फ्रैंक का लेटर मिलता है, और जब आप यही लेटर बिल को देते हो, तो बिल उसे क्रश करके फेंक देता है। दिस वॉज अ नाइस टच बाई शो रनर्स टू अस गेमर्स। नंबर 6, द शो एक्सप्लेन्स द पैंडेमिक। शो ने सेकेंड एपिसोड के शुरू में बताया कि इस फंगल पैंडेमिक की शुरुआत इंडोनेशिया से हुई थी। ये एक अच्छा चेंज था, क्योंकि गेम में इसका ओरिजिन साउथ अमेरिका बताया गया था, पर साउथ अमेरिका में कॉर्डिसेप्स फंगस होते ही नहीं है, और ये फंगस सिर्फ साउथ एशिया में ही पाए जाते हैं। एक और बात, गेम खेलकर मुझे ये लगा था कि ये फंगल इन्फेक्शन सिर्फ जॉम्बी के काटने से ही फैलता है, पर सेकेंड एपिसोड में जोल बताता है कि ये कंटामिनेटेड आटे से फैलता था। No one knows for sure, but best guess, cordyceps mutated. Some of it got into the food supply, probably a basic ingredient like flour or sugar. There were certain brands of food that were sold everywhere, all across the country, across the world. Bread, cereal, pancake mix. You eat enough of it, it'll get you infected. Where's the pancake mix? Oh, was that? Yeah, it was. Sorry. I was gonna make you birthday pancakes. तभी first episode में जोल pancake mix और cake लाना भूल जाता है, और उसके पड़ोसी cookies बना रहे होते हैं। तो ये अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि क्यों जोल और सारा इन्फेक्टेड नहीं होते और उनके नेबर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नंबर 7, कास्टिंग। इस शो का कास्टिंग भी ऑन पॉइंट है। पेड्रो पास्काल तो कमाल का जो है ही, पर निक ऑफरमैन को बिल के लिए कास्ट करना एक जीनियस मूव था शो रनर्स के लिए। जिन लोगों ने पार्क्स एंड रेक सीरीज देखी है, उन्हें पता है कि बिल के कैरेक्टर ट्रेट्स पार्क्स एंड रेक के लेजेंडरी कैरेक्टर रॉन स्वॉन्सन से कितना मिलता है। और टेस के रोल में आना ट्रॉफ, जो नेटफ्लिक्स में माइंड हंटर पे भी आ चुकी है, वो भी काफी सूट कर रही हैं। और एली के रोल में बेला रैमसे भी काफी ठीक है। अब कुछ छोटी बातें जो मुझे इस शो की बहुत अच्छी लगी। सेकेंड एपिसोड में मुझे क्लिकर का डिजाइन और एक्शन सीक्वेंस कमाल का लगा। एली के डायलॉग में क्लिकर्स और ब्लोटर्स का फोर शेडोइंग भी काफी अच्छा था। So there aren't super infected that explode fungus spores on you? Shit, I hope not. What the fuck? टेस का डेथ जो कि गेम से बहुत डिफरेंट था और बहुत डिस्टर्बिंग भी। और कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस शो को मेरे लिए काफी स्पेशल बनाती हैं।
इसके आने वाले एपिसोड्स में अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे सेफ।